हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और यहाँ पर मैं बना रही हूँ साबूदाना वड़ा। ये मतलब ब्रेकफास्ट में भी बना रही हूँ और व्रत के लिए भी हो जाएंगे। मेरी मम्मी जी ने व्रत रखा है तो मैंने व्रत वाली चीज़ें ही इसमें डाली हैं केवल। और यहाँ मेरा आटा लग गया है रोटी वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर कुछ आलू मैंने बचा दिए थे वड़े में से, तो उसकी बना दूँगी सब्ज़ी। सो यहाँ मेरा व्रत का मम्मी जी का रेडी हो गया था, तो मैंने एक वड़ा ले लिया और थोड़ा सा आलू का हलवा। तो माता रानी का भोग लगा रही हूँ और पूजा वगैरह सब संपन्न हो गई है। देखिए आज मंदिर की सफाई भी की थी मम्मी जी ने, और बस माता रानी को और सभी भगवान जी को नए नए वस्त्र पहनाए हैं। पूजा वगैरह सब संपन्न हो गई है, कलश स्थापना भी हो गई है जैसा आप देख रहे हैं। और हमारी माता रानी है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सो सारी चीज़ें ये सब तो कम्प्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ मैंने अपने लिए वड़े बना लिए थे फाइनली मम्मी जी पापा जी सभी को खाना देने के बाद। मैं देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब जा कर के मैं रूम में आई हूँ, 1:15 बज गए हैं। आज हेयर वॉश भी किए थे, अब तो खैर सूख गए हैं सारे। और ये ले आई हूँ वड़े भी। मैंने एक्चुअली व्रत नहीं रखा है, मैं सॉस से खाऊँगी या सब्ज़ी से, मम्मी जी ने व्रत रखा है। सो बस अब मैं खाती हूँ, बिकॉज़ दवा वगैरह भी खाना है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और आज शाम को ना मैं सोच रही हूँ कि अपने शहर के तहसील वाले मंदिर में जाऊँ दर्शन करने। एक्चुअली ना आज ना हमारे जो भार्गव महिला समाज समिति है वो वहाँ पर ना बहुत बड़ी महाआरती के लिए सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, मुझे भी बुलाया गया है। तो वैसे उस चक्कर में नहीं, मैं तो वैसे भी सोच ही रही थी आज माता का पहला दिन है। और एक्चुअली मेरी सिस्टर ना कल वापस जा रही है अपने ससुराल, तो मैंने सोचा कि आज हम घूम लेते हैं पहले की तरह, जैसे माता के मंदिर में जाते थे ना। अच्छा, और आप कौन सी बड़ी पढ़ाई कर रही हो? हैं, अच्छा ABCD। अच्छा तो बस खाते हैं, देखो शायद शाम को 4 बजे का टाइम है तो निकलेंगे। तो ब्लॉग इसी ब्लॉग में आगे कंटिन्यू करेंगे, शेयर करेंगे आप सबके साथ। फटाफट खा लेती हूँ पहले। अच्छा तो है, बड़ा क्रिस्पी है, बस डीप फ्राई कर रहे हैं ना, मतलब ऑयल में जब डीप फ्राई करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा सोक कर रहा है ऑयल को। और बाकी जैसे आलू टिक्की तलते हैं ना तवे पर वैसे तल सकते हैं, बट टेस्ट में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, शाम का वक्त हो गया है, मैंने एक अच्छी सी बढ़िया सी साड़ी पहन ली है और मैं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मेरी मम्मी जी भी जा रही है, यानी कि मेरी सासू माँ, और शायद मेरे मायके से कोई नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो फ़ोन आया था कि हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा है ना तो परेशान करते हैं। कैसी लग रही है मेरी साड़ी बताना। हम लोग निकल रहे हैं, 5 बज गए शाम के, और दिए वगैरह मैंने सब बना लिए थे। निकलते हैं, मंदिर पहुँचते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। मैं ना यहाँ एक अच्छी वाली बहू रानी बन के रिक्शे का वेट कर रही हूँ। पापा जी हमारे रिक्शा देख रहे हैं बाहर, मैं बैठी हुई हूँ। हाथों में ये मैंने ये पहने हैं। चलो चलो आ जाओ, बढ़िया हूँ एकदम। चलो ले लूँ आपको। देखो भैया तो मिल जाता ड्यूटी में, चाय जा। चलो यहाँ पर देखे पूजा हो गई। हाँ
चले वहाँ से। हाँ लाओ मैं ले, आओ पंगे भी नहीं। सो घर आ गए हैं वापस हम लोग, अब चेंज करेंगे ये सारी चीज़ें, थकान हो गई है थोड़ी सी। और बस बढ़िया सा प्रोग्राम था, अच्छा लगा इस तरह की, मतलब जो अपने जो भी अपना मतलब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं अपने समाज के, उन सब में अच्छा लगता है जाना, सबसे मिलना। मेरे काफ़ी पुराने लोग मिल गए वहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा था सबके साथ मुलाकात करके। खूब सारे फ़ोटो लिए हम लोगों ने, वीडियोज़ भी बनाए माता की आरती की, और बस वही सारी चीज़ें जो महाआरती थी ना वो सब भी हुई। वानू ने भी बहुत एंजॉय किया, और वानू की नानी आ गई थी, तो बस दादी भी थी नानी भी थी, खूब सारा एंजॉय हुआ। बस अब मैं चेंज करूँगी क्योंकि डिनर की तैयारी करेंगे। सो यहाँ कुछ अच्छे अच्छे से फ़ोटो जो मैंने रेंडम वहाँ क्लिक किए थे और कुछ मुझे बाकी लोगों से प्रोवाइड हो गए थे, तो शेयर कर दिए हैं आप सबके साथ में। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, नहाने जाने से पहले मैंने ये सब थोड़ा रूम ठीक करना, कल तो साड़ी वाड़ी सब ऐसे ही उतार के रख दी थी और कुछ वीडियो भी नहीं बनाया शाम को डिनर वगैरह का। और देखिए मेरी मानू मेरी हेल्प कर रही है कपड़े घड़ी करने के लिए, और कपड़े भी उठा लिए मैंने बाहर तार पर टंगे हुए थे कल के, तो ये सब रूम वूम ठीक करें उसके बाद ही नहाएंगे। आज है माता रानी का सेकेंड डे, और सेकेंड डे है आज। कल मैंने ना कुछ लिपस्टिक वगैरह भी कुछ भी रिमूव नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि अभी रेडी होके बैठी हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मुझे नहाना वहाना है, माता रानी का कुछ भोग भी बनाना है, खाना भी बनाना है। और हो सकता है कि आज मैं मायके जाऊँ, उसका अलग से सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी, वो शेयर करूँगी, मतलब अभी कन्फर्म नहीं है जाना, बट हो सकता है जाऊँ, क्योंकि आज मेरी बहन जा रही है अपने ससुराल वापस, तो उसको लेने भी आ रहे हैं उसके हस्बैंड, और वैसे भी मुलाकात हो कर लूँगी उसको जाने से पहले, फिर वो 2-3 महीने के बाद ही आएगी, पता नहीं कब आएगी, तो इसलिए हो सकता है मैं जाऊँ। हमारी वानू ना खुद ही बेबी बन जाती है, खुद ही मम्मा बन जाती है, मम्मा बन के बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, फिर बेबी बन के बोलती है कि मैं भी चलूँगा, फिर मम्मा बन के खुद ही बोलती है कि ना नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम क्यों जाओगे, तुमको लेकर नहीं जाऊँगी, तुम यही रहोगे बेटा, मैं पार्टी में जा रही हूँ, ऐसे खुद से ही मम्मा बेटा दोनों रोल प्ले करती रहती है। आजकल ना मेरे व्लॉग्स वगैरह काफ़ी मतलब थोड़ा सा लेट ही आते हैं, जैसे कि अभी ये नवरात्रे वाला भी लेट पोस्ट कर रही हूँ मैं, मतलब काफ़ी सारे ना मैं जो भी चीज़ें होती हैं वो शूट कर लेती हूँ बट एडिटिंग नहीं हो पाती है, मतलब एडिटिंग करने में तो केवल 10 मिनट का टाइम लगता होगा बट वो 10 मिनट भी मैं निकाल नहीं पाती हूँ कभी,
या अब नहीं निकालती हूँ, जैसा भी हो जाता है ना, तो ऐसे ही फिर लेट लेट पोस्ट हो जा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और जो भी लोग ना मेरे चैनल पर नए जुड़ते हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो मेरे और भी वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर उन्हें पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बस, और इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट वगैरह है, कोई सजेशन है, तो कमेंट कर सकते हैं। और आधे से ज़्यादा कपड़े मेरी वानू उठा उठा कर यहाँ वहाँ खेल रही है, तो मैं उससे ले ले करके फिर घड़ी करके रखती जा रही हूँ। अभी मेरे और भी ब्लॉग्स गनगौर वगैरह के आने बाकी हैं, तो धीरे धीरे मैं जैसे जैसे एडिटिंग करती जाऊँगी आप सबके साथ शेयर करती जाऊँगी। और ये देखिए, दुपट्टा ले लिया है मेरा मैडम जी ने। तो इसी के साथ ना इस ब्लॉग को एंड कर दे रही हूँ। आपको आई होप मज़ा आया होगा। बाय बाय।